फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर टू माँ सरला एक्वेरियम शॉप बड़ा बाजार जगत सिंहपुर। तो दोस्तों, आज मैं जो है माँ सरला एक्वेरियम शॉप का न्यू स्टॉक दिखाने वाला हूँ, फिशेस का। ओनली फॉर फिशेस के बारे में मैं आज आप लोगों को स्टॉक दिखाऊंगा। तो हम लोग जो है ओनर के साथ बात करेंगे, काबू भाई के साथ, और उनका जो है नंबर आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, और स्क्रीन पर भी उनका नंबर मैं डाल चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अंदर जाएंगे, काबू भाई के साथ बात करेंगे। तो काबू भाई, आज आपका नया स्टॉक आया हुआ है, तो फीचर्स आपका देखेंगे और प्राइस कितना किसका है आप बताएंगे। तो पहला टैंक से हम लोग शुरू करते हैं। ये वाले टैंक में कौन सा फीचर्स है काबू भाई? ये ओरेंडा रेड कैप और ब्लैक मोर। इनका कॉस्ट कितना? इसमें बड़ा वाला है और छोटा वाला भी है। छोटा वाला रेट क्या है? 25 रुपीज़ और बड़ा वाला 60 रुपीज़। और जो ब्लैक मोर है उसका प्राइस है 25 रुपीज़। ये वाले टैंक में हम जो नेक्स्ट टैंक देख रहे हैं, इसमें कौन सा फीचर्स है? इसमें सोवांकिन, सोवांकिन का प्राइस है 30 रुपीज़। सिल्वर शार्क भी है, सिल्वर शार्क का 50 रुपीज़ है, और ओरेंडा भी है इसमें। इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का ओरेंडा रेट क्या है? हाँ, वो तो अभी वो बड़े साइज़ का ओरेंडा का कॉस्ट है एक पीस का 50 रुपीज़। ये वाले टैंक में जो है शार्क हैं, कौन सा कौन सा शार्क है और इनका ये टाइगर शार्क है और अल्बिनो शार्क है। टाइगर शार्क, अल्बिनो शार्क दोनों का प्राइस है 30 रुपीज़। ये वाला कौन सा एंजल है और इनका प्राइस कितना रहेगा? सब ये वाला है एंजल, डायमंड एंजल है, ब्लैक एंजल है और रेनबो शार्क भी है, इसका प्राइस 35 रुपीज़ है। और रेनबो शार्क? रेनबो शार्क है 1 रुपीज़, 35। ये वाला टैंक में कौन सा? इसमें गोल्ड है, छोटा है, मीडियम है, छोटा का 25, मीडियम का 30 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा खूबसूरत फीचर्स है। ये वाले टैंक में कौन सा फीचर्स है? ये वाला टैंक में है मिल्की कार्फ और कोई कार्फ, सब बड़े साइज का है। प्राइस कितना रहेगा? प्राइस आएगा इसका 40 से 50 रुपीज़। साइज है इसका 7 से 8 इंच का। ये वाला टैंक में कौन सा टिपल बार है? ये वाला टिम्पल बार है और इसका साइज ये 4 से 5 इंच, प्राइस है 35 रुपीज़। ये वाला कौन सा चिकलेट है? ये है फायर माउथ है और ब्लैक कॉन्बिट जेबरा है, इसका प्राइस 45-50 इसमें आता है। ये वाला टैंक में कौन सा चिकलेट है? ये शिवराम है, शिवराम है, 3 से 4 इंच का शिवरम है, इसका प्राइस आएगा 40 से 55 रुपीज़ पर पीस। इसमें एक सकर कैट भी दिख रहा है, ये सकर कैट का कॉस्ट है 20 रुपीज़। ये वाला टैंक में कौन सा? ये वाला टैंक में है बनाना चिकलेट, ब्लू चिकलेट, ब्लैक चिकलेट, पिंक चिकलेट, ये सब है, इसका प्राइस 30 रुपीज़ आएगा। ये वाला कौन सा फीचर है? ये अल्बिनो ऑस्कर है, इसका प्राइस है 50 से 60 रुपीज़। ये वाला टैंक में कौन सा फीचर है? वो है टाइगर बार और रोजी बार, इसका प्राइस 15 रुपीज़ आएगा। ये वाले टैंक का जो गोरामी फीचर्स हैं, ये हनी गोरामी है और ब्लू गोरामी है, इसका प्राइस 30 रुपीज़ आएगा। ये वाला टैंक में कौन सा है? ये वाला है किसिंग गोरामी, इसका प्राइस पड़ेगा 30 रुपीज़। तो दोस्तों, अभी हम जो देख रहे हैं एक्वेरियम्स वगैरह, तो एक्वेरियम का प्राइस कितना रहेगा हम अभी पूछेंगे ओनर से, बात करेंगे इनके साथ। तो सबसे बड़ा वाला जो एक्वेरियम है काबू भाई, ये कितना साइज़ का है? ये 3 फुट का है। अच्छा, 3 फीट का एक्वेरियम, कितना प्राइस आएगा इसका? इसका 2200 रुपया। 2200 रुपये। तो
और नीचे वाला जो तीन एक्वेरियम दिख रहा है, ये कौन सा साइज का है और इसका प्राइस कितना रहेगा? नीचे वाला है 1 फीट का और 1.5 फीट का, 1 फीट का 700, 1.5 फीट का 900। और इस तरफ एक एक्वेरियम है, ये वाला एक्वेरियम का 2.5 फुट, उसका कॉस्ट रहेगा 1600। नीचे कोई साइज का है दिख रहा? नीचे टू फुट वाला। अच्छा, 2 फीट वाला। उसका प्राइस आएगा 1400। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, माशाल्लाह एक्वेरियम शॉप पे सब कुछ अवेलेबल है, सभी तरह का फिल्टर्स वगैरह, जितना भी तरह का एक्वेरियम्स और डॉग फूड्स, कैट फूड्स, रैबिट फूड्स और सभी तरह का प्लांट वगैरह, आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह सब कुछ, और डॉग्स के एसेसरीज सब कुछ अवेलेबल है इनके पास। आप आराम से ओनर से कांटेक्ट करके पा सकते हैं। सभी तरह का बर्ड्स वगैरह इनके पास अवेलेबल है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और स्क्रीन पे जो है नंबर दे चुका हूँ ओनर का, आप उनसे जो है नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू काबू भाई, आप हमको आपका स्टॉक दिखाने के लिए। तो अगर कोई ओनर कस्टमर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो उसको आप अच्छी तरीके से जो है रीजनेबल कॉस्ट में देंगे। मेरे तरफ से अगर कोई कॉल करता है तो डेफिनेटली आप ज़रूर रीजनेबल कॉस्ट में देंगे जी। तो थैंक यू काबू भाई, तो नेक्स्ट टाइम आपका जब स्टॉक आएगा तब आपका ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। तो रहता हूँ, नमस्कार।